कानपुर से आई ज्योति मौर्य पार्ट टू की कहानी। 6 से 7 लाख कर्ज लेकर पढ़ाया, नौकरी मिलते ही बदली पत्नी। पढ़ लेंगे और कुछ बन जाएंगे तो आगे का भविष्य हमारा भी अच्छा होगा, बच्चों का भी होगा, इनका भी होगा, सबका भविष्य अच्छा होगा। पत्नी सविता मौर्य के तेवर ने छुड़ाए पति के पसीने। कहती है, तुम काली मैं गोरी, अब नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। पति भर रहा कर्ज, पत्नी काट रही मौज, हर 4 महीने में बदल देती है रूम, पति के पास ही नहीं पत्नी का पता। ये है कानपुर देहात के अर्जुन सिंह। इनकी कहानी भी आलोक मौर्य की तरह है। पत्नी को उन्होंने पढ़ा लिखा कर अधिकारी तो नहीं बनाया, पर इतना काबिल बनाया कि वो नर्सिंग स्टाफ की नौकरी करने लगी। 20 से 25 हजार रुपए महीने की नौकरी करने लगी। लेकिन जैसे ही नौकरी लगी, सविता मौर्य के तेवर बदल गए। अब वो कहती हैं, तुम काले हो और मैं गोरी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कर्ज लेकर पढ़ाया तो क्या हुआ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अर्जुन तो यहाँ तक कहते हैं कि वो हर 4 महीने में अपना कमरा बदल देती है। पहले अर्जुन का दर्द सुनिए, फिर इस मामले के दूसरे पहलू पर आते हैं। मेरा नाम अर्जुन सिंह है, मेरी वाइफ सविता मौर्य है, जिनसे हमारा शादी 2017 में हुआ था। 2017 के बाद हमने रामा मेडिकल यूनिवर्सिटी से इनको BSc नर्सिंग करवाया। पढ़ने में ठीक थी तो हमने कहा ये पढ़ लेंगे और कुछ बन जाएंगे तो आगे का भविष्य हमारा भी अच्छा होगा, बच्चों का भी होगा, इनका भी होगा, सबका भविष्य अच्छा होगा। फिर पढ़ाने लिखाने के बाद जब इनकी जॉब लगी है तो ये सुमिता भाई लगी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनी है करीब 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल हो गए। तो जब से बनी 2 महीने तो ठीक थी, उसके बाद बहक गई और तब से हमसे अलग रह रही है और लगातार धमकियों भी देती हैं कि मरवा देंगे, कई टुकड़ों में कटवा देंगे और तुम काले हो, नाटे हो, तुम्हारे साथ हम कैसे रहेंगे, डिवोर्स चाहिए। बहुत लोगों से दबाव भी बनवाती हैं, है? इनके माँ और भाई कई बार हमको टॉर्चर किए हैं, कई बार मारे भी हैं, अभी आके हाल ही में लड़ाई झगड़ा भी किए हैं, इनके घर भी हमको बुला के लोग मारे और खुद गलतियां करते हैं और मेरे ऊपर खुद FIR मुकदमे भी करवाते हैं। BSc नर्सिंग खर्चा का लगभग मतलब पढ़ाई केवल फीस तो लगभग 6-7 लाख रुपए फीस में हमने बर्बाद किया इनके, बाकी रूम का किराया चीजें वो अलग चीजें हैं। और पैसे का अरेंजमेंट था, कुछ फैमिली के लोग सपोर्ट किए थे, बाकी बाद में सपोर्ट करना बंद हो गया था इनके हरकतों की वजह से। तो हमने कई जगह से कर्जा लेके और फिर हमने इनको पढ़ाया लिखाया है, जो आज भी थोड़ा बहुत कर्जा रह गया है जो अभी भी दे रहे हैं। सेम वही कंडीशन मेरे साथ भी है, सेम उसमें कहीं भी मतलब इफ वर्ड नहीं है, बिल्कुल सेम चला आ रहा है मेरे साथ। और ये चीजें हमने देखी तो हमें भी लगा कि हो सकता है इनको न्याय मिला है तो हमें भी न्याय मिलेगा, और मैं इनको डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ। ये जबरदस्ती मेरे ऊपर दबाव बना के और हमसे डिवोर्स लेना चाहती हैं, तो ये म्यूचुअल डिवोर्स का फाइल हुआ था, लेकिन अभी डेट में हमने वकील साहब से कहा हुआ है कि हमें नहीं लेना है, इसको खारिज करवाएं। ये रसूलाबाद CSC में तैनात हैं और BSc नारखुर्द में ज्वाइन हुई, वहीं पे ये कमरे लेके रहती हैं, हर महीने 4 महीने में कमरे बदलती रहती हैं, मेरे से कोई मतलब नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अर्जुन सिंह को न्याय मिल पाएगा? क्या सच में समाज में इस तरह का माहौल बन गया है कि महिलाएं पति से अलग होना चाहती हैं? या फिर जिस कदर घरेलू मामले को दहेज से जोड़कर मुकदमे करवाने के मामले पहले सामने आते थे, वही अब होने लगा है? आलोक मौर्य की सुर्खियां बटोरने और लोगों से सिंपैथी मिलने के बाद कई लोग अपने पुराने किस्से लेकर सामने आ रहे हैं कि हमें भी न्याय चाहिए। अर्जुन सिंह का मामला जांच का विषय है, जांच के बाद ही ये पता चलेगा कि पति पत्नी में किसकी ज्यादा गलती है। पर यहां पर सवाल ये है कि कोई लड़कियों की मामला क्यों नहीं समझना चाहता? इस तरह के मामले किसी भी घर या समाज के लिए ठीक नहीं है। हिंदुस्तान अभी अमेरिका नहीं बना है जहां पति पत्नी के बीच तलाक सामान्य बात बन जाए। आज भी पति या पत्नी की मौत के बाद कई लोग दूसरी शादी से कतराते हैं। आपको अपने गांव और जिले में कितने उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अपने पहले पति और पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी नहीं की? लेकिन मीडिया इन बातों को बढ़ावा नहीं देता क्योंकि लोगों को ऐसी बातें सुनने में मजा नहीं आता। ज्योति और आलोक केस में ज्योति की गलती हर कोई ठहरा रहा है, पर आशिक मिजाज
मनीष दुबे पर ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे तो क्या आज भी समाज में वही पुरुषवादी सोच चल रही है जहां पुरुष करे तो सब ठीक और महिलाएं कुछ भी करें तो सवाल उठने लगेंगे। आप अगर आलोक या अर्जुन सिंह की जगह होते तो क्या करते, हमें कॉमेंट में बताएं।